नगरमध्ये जातीय सलोखा अबाधित राहावा यासाठी एक उपक्रम हाती घेण्यात आलाय. इन्सानियत संस्थेच्या वतीनं माऊली संकुलात आयोजित कार्यक्रमात विविध धर्माचे धर्मगुरू सहभागी झाले होते. खासदार दिलीप गांधी हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. समाजाची उभारणी करणं, त्यात एकता निर्माण करणं हे एकट्याचं काम नाही. 13व्या शतकात संत नामदेवांनी इन्सानियतचं काम केलं. श्रीगोंद्याच्या शेख मोहम्मद महाराजांनी देहूच्या मंडपाला लागलेली आग स्वतःच्या हातानं विझवली. अशा अनंत घटना या जातीय सलोखा असल्याचा पुरावा देताना त्या त्या काळात एकता होती ती आजही आहे, मात्र ती अधिक मजबूत करणं हे या अभियानाचं कार्य असल्यानं इन्सानियत अभियान इतिहास घडवेल असं प्रतिपादन हरिभक्त परायण बद्रीनाथ महाराज तनपुरी यांनी केलंय. त्यांच्या मुखामधून निघालेला तो शब्द अंतकरणापर्यंत जाऊन भिडला यातच त्यांचं श्रेष्ठत्व आहे. कोणताही ध्येयवाद त्याचा प्रचार प्रसार करण्याकरता मुळात तो अगोदर त्या भूमिकेवर आरूढ असला पाहिजे आणि मग समग्र विश्वाचा अनुभव घेऊन अनुभव आले अंगा ते या जगात येत असे. ही संतांचं जे संतत्व आहे ते निश्चितपणे त्यांच्या तळमळीमध्ये जाणवलं. मी पण एक संताच्या पोटी जन्माला आलेल, मलाही काही 40 वर्ष मी झोपडीमध्ये राहिलेलो आहे माझी आई आणि हे सहज नाही घडत. एखादी समाज उभारणी करता जी ताकद द्यायची असते आणि त्याच्याकरता ताकदीला एकट्याचं काम नाही ते. गांधी साहेबांच्या चरणी प्रार्थना करील मी, म्हणूनही मेळ मेळविला अन्यथा नाही, म्हणूनही आणि एकट्याचं काम नाही ते. एखादा तप्त झालेला तवा आहे, त्या तव्यावर जर एक थेंब पाणी पडलं की जे शांत करणार असतं झिरून जातं त्याच्यामध्ये. अल इन्साफ पब्लिक फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित इन्सानियत अभियान कॉन्फरन्समध्ये ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी खासदार दिलीप गांधी हे होते. हरिभक्त परायण, रामदास महाराज कैकाडी, अखिल विश्व गायत्री परिवाराचे चंद्रकांत देशमुख, आयोजक मुफ्ती सलीम यमनी चाऊस, अल्लाउद्दीन काझी, उपमहापौर श्रीकांत छिंदम, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, वारकरी सेवा संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ राऊत यावेळी उपस्थित होते. एकता निर्माण करणं हे अवघड काम आहे, मात्र समाजामध्ये फूट पाडणं हे सोपं असतं. स्वतःच्या स्वार्थासाठी फूट पाडणारे एकीकडे आणि देशाच्या विकासासाठी एकत्र आणणारे एकीकडे, असं अवघड काम या अभियानानं स्वीकारलंय. त्यामुळेच आपण या अभियानात सहभागी झालो असल्याचं हरिभक्त परायण रामदास महाराज कैकाडी यांनी सांगितलंय. मग तू विज्ञान युगातला माणूस आहे एक ध्यानात ठेव. मला नाही घरी कोण नको म्हणलं तुला. मी महाराज आहे, जाडी वाढवली, भगो घातलं, तत्वज्ञान सांगतो, सर्वांचा आनंद हो, कल्याण हो, हे सगळं सांगतो. नाही घरी मला, पण मला घरी न्यायचे अगोदर. आता तू सुधारित माणूस आहे ना, शिक्षणाला ना, तू फक्त एक काम कर, मी महाराज का घरची चौकशी कर ना. माझ्या घरात कटकटी वाढल्या म्हणून मी महाराज झालो. तुझ्या घरी म्हणून मी तुला समजत माझं म्हणणं देव पाहिजे ना तुला. देवाकरता कुराण शरीफ लागत नाही, गीता लागत नाही, बायबल लागत नाही, काय लागत त्याला, फक्त इन्सानियत एवढी येतच लागते, बाकी काय लागत नाही. महाराजांनी सांगितलं एका शब्द सांगून टाकलं, एका शब्दात मंदिर में तो भूत बैठे, मंदिरामध्ये मूर्ती आहेत, मंदिर में तो भूत बैठे, मस्जिद में सिर्फ सफाई, मस्जिदीत काय स्वच्छता आहे फक्त. मंदिर में तो भूत बैठे, मस्जिद में सिर्फ सफाई है, अरे जिस दिल में नूर झलकता है वो घर खास खुदा का है. या प्रसंगी रेव्हरंट सुनील भांबळ, अखिल विश्वशांती गायत्री परिवाराचे चंद्रकांत तात्या देशमुख, हाजी अब्दुल कादीर,
वसंत लोढा, डॉक्टर सुनील गंधे आदींची भाषण झाली. प्रारंभी राजेश सटणकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं. अहमदनगर की इस ऐतिहासिक नगरी में कल का हमारा भारत कैसा बनेगा, हम किस प्रकार से पूरे समाज को साथ मर लेकर तरक्की की ओर बढ़ेंगे, इस दृष्टिकोण से आज इस इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जिसने इसको अंजाम दिया और गत 4 सालों से इस पे काम कर रहे ऐसे श्री मुक्ति सलीम यासीन चाऊ साहब, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और इंसानियत का, मानवता का संदेश दिया, आदरणीय हरिभक्त पारायण बद्रीनाथ जी महाराज, और जिन्होंने तो आप सभी को छोटे छोटे चुटकुले देते हुए और जो आपके दैनंदिन व्यवहार में जिंदगी जीते जीते हम करते हैं, अगर उसमें हमारे को समझाया जाता है तो वो ज़्यादा आसानी से समझाया जाता है. इसी प्रकार आदरणीय हरिभक्त पारायण रामदास महाराज कैकड़े जी, श्री चंद्रकांत जी देशमुख, श्री विश्वनाथ जी राउत, श्री अजीत जी अम्बेकर, श्री अलाउद्दीन जी काजी, श्री बिलाल अहमद, श्री हजी फकीर अहमद, हजी साजिद खान, अपने नगरी के उप महापौर श्रीपाद जी छिंदम, श्री मिठू भाई शेख, श्री डॉक्टर जी के शेख, श्री सलीम बागवान, श्री जज भाई देशमुख, श्री अनवर खान, श्री वसंत दौड़ा, श्री सुरेंद्र गांधी, उपस्थित सभी जिले से आए हुए भाइयों बहनों, पत्रकार छायाचित्रकार भाइयों, एक ऐसा है कि हमारा सभी के अपने गत 3 घंटे बराबर हुए, अभी 3 घंटे से हम सब सुन रहे हैं और बहुत शांति के साथ और जिस प्रकार का माहौल बना है, शायद आनंद और आ जाता अगर हॉल पूरा भरा होता. हमारी कोशिश थी और हमारे को लगा था कि हमने तो बाहर भी व्यवस्था रखी थी, पर कुछ लोगों को जिस प्रकार का माहौल बनाने में हम थोड़े, हमारे को एक दूसरे के ऊपर हमने विश्वास करके ये कहा कि भाई सब लोग आ जाएंगे. एक कहीं तो भी हमारे में से इंसानियत पैदा करनी है और उस इंसानियत के नाते से हमारे को आगे चलना है, तो इसलिए हम इस प्रकार का काम करें कि लोगों को लगे, विश्वास बने. इस दृष्टिकोण से इस अभियान को अपने को चलाना है और मुझे गौरव इस बात का है कि, और मैंने मुफ्ती साहब से मेरी जब मुलाकात हुई तभी मैंने कहा कि भाई हमारा जिले का एक बहुत अलग आज तक का नाम बना हुआ है, अहमदनगर बिना काना मात्रे का बना हुआ है. हमारे जिले के लोग सादे सीधे है, पर उसके साथ साथ देश के आज़ादी के साथ, राज्य को बनाने के साथ और देश को बनाने के साथ बहुत बड़ी अहम भूमिका हमारे अहमदनगर ने बनाई है. बहुत सारे विषयों में पैटर्न भी दिए हमने और उसी पैटर्न के ऊपर राज्य भी चला. बस कि आज 4 मार्च को पूरे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु और सभी मजहब के लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं इंसानियत और एकता और अखंडता के लिए, ताकि अपने भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो गलत फहमियाँ बढ़ रही है, इससे मुल्क अपना खोखला और कमज़ोर हो रहा है. हम लोग इस अभियान के ज़रिए ये चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर हम सब लोग हिंदुस्तानी बनकर रहें. एकता और अखंडता हमारे मुल्क का जीवन है. अगर हम लोग अखंडित नहीं होंगे तो हमारा मुल्क बहुत नुकसान झेल सकता है, ये हमको डर है. इसके लिए हमने पूरे भारत भर में ये इंसानियत अभियान का एक मिशन उठाया है, जिसमें सर्व पक्ष और सर्वधर्म के लोगों को हम लोगों ने इंसानियत के माध्यम से एक जगह जमा करने की कोशिश की है कि अपने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करो
अपने पार्टी के साथ में रहो, लेकिन इंसानियत से गिरकर कोई काम नहीं होना चाहिए। जब जाके अपना मुल्क शक्तिशाली होगा और प्रगति हमको मिलेगी, सबसे पहले रक्षा होना चाहिए, और रक्षा के लिए एकता और अखंडता ज़रूरी है। जब एकता और अखंडता होगी तो फिर मुल्क अपना सुरक्षित होगा, जब सुरक्षित होगा तो फिर प्रगति करेगा। तो इसी के लिए ये कोशिश जारी है, इसमें सभी तालुके से हर गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, इसमें सभी पार्टी के लोगों ने एक योगदान किया। तनपुरे महाराज जो बद्रीनाथ महाराज पंडरपुर की एक बड़ी शख्सियत है, वो भी आ चुकी है, बस अभी पहुंचने में है, और कैकड़ी महाराज साहब जो है वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह दीगर जो मज़हब के लोग हैं, बिशप कांबड़े साहब हैं, उनको भी है कि वो भी पहुँचेंगे। अन्ना हज़ारे साहब के पीए साहब से भी बात हुई, वो भी पहुँचने में ही है। इस तरह की कोशिश जारी है। आप लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि अपने प्रेस के माध्यम से अपने देखने वालों तक ये मिशन उन तक पहुंचाया जाए, ताकि वो हमारे से जुड़े और हम उनसे जुड़े। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि इस मुल्क को हम सब हिंदुस्तान वासियों की एकता और अखंडता की ज़रूरत है, वरना छोटी छोटी बातों पर ये लड़ना, झगड़ना, नफरतों का माहौल पैदा करना, इससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है, खोखला हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा यही संदेश है कि मुल्क अगर अपना महफूज रहेगा, मुल्क को अगर शक्तिशाली बनाना है, तो मुल्क में सर्वधर्मी लोगों को इंसानियत के उन्वान से एक जगह पर आना है, और इंसाफ और इंसानियत ये हवा और पानी की तरह हमारे समाज के ज़रूरत है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर आ जाए, ज़ात पात को देख कर फैसला ना करें और धर्म को देखकर फैसला ना करे, पार्टी वालों को देखकर फैसला ना करे, ये मेरे पार्टी का नहीं, जो हक पर है वो मेरा है, और जो हक पर नहीं है वो कितना भी मेरा हो वो मेरा नहीं। जब हम इतने उसूल पे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपना देश प्रगति करेगा। हमने प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल पे चलाया, जिसमें से हमने अयोध्या के अंदर भी इसकी कोशिश जारी की है। हमारा लखनऊ में 2 दफ़ा प्रोग्राम हुआ। 100 साल पहले बाल गंगाधर तिलक साहब ने 100 साल पहले जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी डायमंड जुबली हमारे फाउंडेशन ने लखनऊ में 31 दिसंबर 1916 को मनाया है। इसी तरह हम लोगों ने ऑल मराठवाड़ा कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में की, ऑल खानदेश कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने जलगांव में की, ऑल विदर्भ कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अमरावती में की, इसी तरह हम लोगों ने ऑल कोकण पनवेल में की, ऑल महाराष्ट्र हम लोगों ने बॉम्बे में की, और अब हम लोग ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इंसानियत बचाओ रथ यात्रा पूरे महाराष्ट्र में, और उसके बाद में पूरे भारत में। इसमें हमको सभी पार्टी वालों का सपोर्ट है, और सभी मज़हब वालों का सपोर्ट है, सभी धर्म वालों का सपोर्ट है, और सभी सेक्शन के लोग हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान वासियों से खुश हूँ कि वाकई हिंदुस्तान में आज भी बहुत मोहब्बत है, और बहुत ही मतलब वो लोगों में प्रेम है, लेकिन कुछ बातें जो दूर रहने की वजह से नफरतें भड़क रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह पर जाए और सूत्र संचालन सुहास मुळे यांनी केला। ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज़, महानगराची लाइफलाइन, अहमदनगर।